ये बनारस की धरती आप देख सकते हैं, जहाँ से स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अडानी अंबानी का चाटुकार हो ऐसे व्यक्ति को हम लोग न तो अपना यहाँ से बनारस से सांसद चुनेंगे, न तो देश का प्रधानमंत्री होगा। जनता 4 तारीख की विदाई तय कर दी है, फटाफट जाओ, फटाफट जाओ। गुजराती आदमी है, उसको गुजरात जाना चाहिए, क्योंकि देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अरे मोदी है तो मुमकिन है भैया, ईवीएम में सेटिंग मुमकिन है, ईडी का दुरुपयोग मुमकिन है। ये चाय बेचने वाले को हम प्रधानमंत्री बना दिए, सबसे बड़ी गलती किए थे, और आज इस जुमलेबाज को हटाने का काम करेंगे। हम मोदी जी के होश ठिकाने हो जाएंगे, अब की बात में जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी के होश ठिकाने, जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कहा था भैया, कहते हैं नाम गंगा माँ ने बुलाया है, ये गंगा माँ ही इनको भगा देंगी। नमस्कार आदाब, इस वक्त हम बनारस में हैं भैया, और ये बनारस की धरती आप देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी का मिलन दिख रहा होगा। यहाँ से स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं भैया, और आप देख सकते हैं बनारस में पहली बार मुझे लगता है ऐसा माहौल बना होगा जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। कांग्रेसी और समाजवादी एक साथ नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार का चुनाव कितने कांटे का है, और आज यहाँ पर स्वयं प्रियंका गांधी और डिंपल यादव जी आने वाली हैं। यही कारण है कि यहाँ पर इतनी भीड़ है। मैडम क्या हाल चाल है, कितना लड़ाई देख रहे हैं आप बनारस के अंदर? जी बनारस के अंदर तो ये कहना ही नहीं है कि अजय राय जी के मुकाबले कोई लड़ाई में है। अरे मोदी जी है सामने, मोदी जी है, पूरे देश की जनता जो कह रही है कि जो गुजराती आदमी है उसको गुजरात जाना चाहिए, क्योंकि देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। हाँ। देश को उन्होंने बेच दिया है। हाँ। देश को जो है अडानी अंबानी के हाथों में गिरवी रख दिया है। हाँ। ऐसे व्यक्ति को ऐसे जो है चाटुकार व्यक्ति, जो अडानी अंबानी का चाटुकार हो ऐसे व्यक्ति को हम लोग न तो अपना यहाँ से बनारस से सांसद चुनेंगे, न तो देश का प्रधानमंत्री होगा। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि देश की जनता ने मूड बना लिया है कि मोदी को यहाँ से खदेड़ना है। हाँ। मोदी को यहाँ से गुजरात भेजना है। हाँ। और देश का प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से होने जा रहा है, यहाँ से भाजपा का पत्ता साफ है। कुछ भी कहे लेकिन सामने मोदी जी है, जिनका 56 इंच का सीना है भैया। भैया आप तो देख रहे हैं 10 साल से 56 इंच का सीना है, हमको तो नहीं दिखाई दिया, आज आप लोग देख रहे हैं। हाँ। उनका 10 इंच का जो 56 इंच का सीना है ना, इस जनता ने बता दिया कितना बड़ा सीना है। हाँ। ये जनता 4 तारीख की विदाई तय कर दी है, फटाफट जाओ, फटाफट जाओ, जाओ जाओ। आदरणीय राहुल गांधी, आज मोदी जी थे अमेठी में, इंदिरा गांधी थी। हाँ। वो भी चुनाव हारी थी, मोदी जी आएंगे तो कम से कम कुछ तो शर्म करो। कांग्रेसी और इंदिरा गांधी आ रहे, वो भी याद दिला रहे, प्रधानमंत्री भी याद आएगा 2024 में। लोकतंत्र में जनता अपने नेता को चुनती है, अगर इंदिरा गांधी जी हार सकती क्योंकि जनता ने चुना था उनको और जनता ने हराया था, मोदी को क्या स्वीकारने वाले लोग हैं हम लोग? हार स्वीकारने वाले लोग हम लोग? जबरदस्ती ईवीएम में सेटिंग करने वाले लोग नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। ये लोकतंत्र, आप कहाँ के रहने वाले भैया? सही, हम बनारस के रहने वाले, बनारस के रहने वाले है। बनारस को इतना चमकाया है, काशी कॉरिडोर दिया है। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, इसके लिए क्षमा याचना है, मगर ये बताइए, यही सवाल आपने मोदी जी के रोड शो में किसी से पूछा था कि आप कहाँ के रहने वाले हो? आपको एकदम सही जवाब मिल जाता। बसों में बार बार के लोगों को लाया गया है मोदी जी के रोड शो। अरे मोदी है तो मुमकिन है भैया, कहाँ मुमकिन है, एकदम मुमकिन है। बसों में लोगों को बार बार के लोग लाते हैं भाजपा वाले, और ये काशी की जनता जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सारे वोटर है, ये बस में भर के लाए गए लोग नहीं है। कहाँ के रहने वाले भाई साहब आप? बनारस के रहने वाले, कमच्चा चित्र के। अरे बनारसियों को क्या हो गया भाई, बहुत एहसाज हो गया भाई। चार सौ जो भाषा लेके नाचने वाली, 400 की टंकी लेके चिल्लाने वाली, आज 1200 की टंकी बिक रही है। कहाँ है सस्ताई? सदन में बैठ 15 लाख रुपया जो खाते में आने वाला है, कहाँ है? मोदी जी चुनाव लड़े थे, किस मुद्दे पर लड़े थे? यहाँ बनारस में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कालिया है। अरे दूध फैक्ट्री यहाँ पर किसने दिया? कौन दिया दूध फैक्ट्री? किसने दिया? उसमें काम कौन कर रहा है सर? सारा गुजराती काम कर रहा है, बनारस लोगों को चपरासी बना के रखा गया है। रोप वे का काम शुरू है,
क्या यहाँ के नौजवानों को काम मिला वहाँ पर? आप हमें बताएंगे तो बनाएंगे भाई। ना आप आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप रोप वे जहाँ बन रहा है, जहाँ निर्माण हो रहा है, वहाँ जाके पूछिए कहाँ के लोग आके काम कर रहे। क्या कोई बनारस का नौजवान वहाँ काम कर रहा है? उनको आएंगे जैसे ही बोलेंगे हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। तो हमारा हमारा दुश्मन भी बोलेगा तो आप बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर। मोदी जी का क्या बात करते हैं आप? हमारा अगर दुश्मन भी बोलेगा ना कि बोलो नमः पार्वती पते, तो हम लोग बनारस वाले हम लोग उनके साथ में कंधे के साथ मिलाकर बोलते हैं हर हर महादेव। लेकिन मोदी जी तो है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी सब मुमकिन है। ईवीएम में सेटिंग मुमकिन है, ईवीएम में सेटिंग मुमकिन है, ईडी का दुरुपयोग मुमकिन है, और जो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं सूरत में आप देख लीजिए, उनको डरा धमका के, ये मेरा आरोप है, उनको उनको डरा धमका के बैठा दिया गया, निर्विरोध चुनाव जिताया गया, पहला सीट भाजपा का। आपकी टोपी पसीने से भीग गई भैया, एकदम भीगेगा। हम लोग जमीनी, हम लोग जमीन पे काम करने वाले, हम लोग जमीन पे अजय राय के लिए वोट मांगने के लिए आया। कुछ भी हो सामने प्रधानमंत्री है, ये बनारस वासी है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जाते हैं बूथ पर तो वोट डाल के चले आते हैं। देखिए मैं तो अभी आया बनारस, तो मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए और उसके बाद माँ गंगा के गोद में मैं भी गया और मैं उस क्रूज विमान, गंगा ने सिर्फ मोदी को बुलाया है भैया, मानना पड़े है। मैं वो जो क्रूज किसी को नहीं बुलाया, काशी में जो लोग उनको काशी गंगा माँ नहीं बुलाया, गुजरात से मोदी ने बुलाया। गंगा गया तो मैं वहाँ क्रूज वो विमान जो जो ढाका तक गंगा, जो गंगा में ढाका तक विमान चलाने के लिए जो जहाज चलाया गया था, मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि भाई वो जहाज कितनी बार आया और गया, गए भैया नहीं वो गया और फिर लौटा नहीं। मोदी जी का विकास कुछ इसी तरह से है, वो बताते हैं और उनका विकास दिखता नहीं है। यहाँ गंगा की गोद में आए थे, उन्होंने कहा था क्योटो बनाएंगे, यहाँ नौजवान जितना सड़कों पे है क्योटो बनाएंगे, क्योटो बना दिए, पागल हो गए ना क्योटो बनाने का, क्योटो बना कर बच्चा देखिए सामने, वो बच्चा देखिए भाग रहा है, ठीक है उसका भविष्य क्या उससे पूछ लीजिए, वो पढ़ लिख नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई तक छूट गई है, और जो पढ़ लिख रहे हैं भैया काशी में नारा है, काशी में नारा है हर हर मोदी और घर घर मोदी, यही चला था 2014-19 में। ये चाय बेचने वाले को, ये चाय बेचने वाले को हम प्रधानमंत्री बना दिए, सबसे बड़ी गलती किए थे, और आज इस जुमलेबाज को हटाने का काम करेंगे। हमारा नौजवान परेशान है, हमारा हिंदू मुसलमान भाई आपका एक परेशान हो भैया। भैया हम परेशान इसलिए क्योंकि जो हम भाईचारा से रहते थे, ईद बकरीद में जाके उनके सेवैया खाते थे, वो हमारे घर में आते थे, एक दूसरे का गुलाल लगाते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत था, खत्म करके रख दिया मोदी ने। मोदी ने खत्म किया कि कांग्रेस बता रहे बीजेपी वाले कि मोदी ने नहीं कांग्रेस, जन सैलाब देखिए, जन सैलाब देखिए, गठबंधन की ताकत देखिए, हर जगह से गठबंधन निकल रही है। अभी कल की बात है भैया, योगी जी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस और समाजवादी सरकार आएगी तो खुल्लम खुल्ला कहाँ कटेगी। देखिए इस चुनाव में, इस चुनाव में योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, बस दोनों एक दूसरे की टांग काट रहे हैं, गाय एक बात भूल जाइए। मोदी जी सोच रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 महीने बाद योगी को हटा देंगे, और योगी सोच रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री न बनने पाए। पूर्वांचल में यही चल रहा है, पूर्वांचल में गठबंधन इसलिए जीत रहा है। भीड़ कहाँ बुलाए हैं, मतलब थोड़ा कुछ दिए हैं कि ऐसे ही इतनी भीड़ है, अगर किसी को कुछ मिला हो तो कुछ। ये कांग्रेस के लोग है, ये गठबंधन के लोग है, ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है, यहाँ सारे लोग अपने पैसे का काशीवासी है, कि मतलब काशीवासी है बनारस। अजय राय नहीं लड़ा, जनता चुनाव लड़ रही है, अजय राय को ये जनता चुनाव लड़ रही है, और मोदी जी के होश ठिकाने हो जाएंगे, अब की बात में जमानत जब्त हो जाएगी, मोदी जी के होश ठिकाने, जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कहा था भैया, कहते हैं ना हम गंगा माँ ने बुलाया है, ये गंगा माँ ही इनको भगा देंगी, ये बनारस की जनता है इनको तबाह कर दे, गंगा ने बुलाया था। ये नौजवानों के ऊपर जो बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों का घर तबाह कर रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं, जेल में लोग हत्याएं करवा रहे हैं, इनका जो आरएसएस चल रहा है, आरएसएस नहीं आईएसएस है, एक तरीके से आईएसएस तरीके काम कर रहे हैं। तो आपको बहादुर मानना चाहिए, बहादुर अजय राय प्रधानमंत्री का कद्दू में तीर मार दिया। हमारे पास सुनिए, प्रधानमंत्री एक सिस्टम है, जो प्रधानमंत्री एक सिस्टम है, अब 3 बार इतने बड़े प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना,
ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बार है, दो बार हारे हैं, तीसरी बार जीत। देखिए हार जीत मैदान में उतरता, हार जीत के परवाह नहीं किया जाता है, एक सिस्टम चला रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ भी लड़ा था, सिस्टम चला रहा था। अजय राय जैसे बहादुर इंसान है, कभी कभी वो मुसलमान एक होकर रहना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमें एक होने नहीं देना चाहते। उनका इसमें फायदा है, ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, पहले जातपात की राजनीति की है, उसके बाद अब धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, सनातन धर्म बना है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक नहीं एक दूसरे गले काटने के लिए। अजय राय जैसा आदमी बनारस के दुख सुख का, आप ठीक है वो प्रधानमंत्री है, उनके पास सारा कोटा है, वो 10,000 करोड़ दे, 20,000 करोड़ दे, लेकिन अजय राय तन मन धन से अपनी जान से। भैया ये कौन सा झंडा है? यूथ कांग्रेस का झंडा है, अलग अलग तरीके मोदी जी प्राइवेट गंगा माँ नहीं है, गंगा माँ सबकी है, गंगा माँ कांग्रेस की भी है, सपा की, भाजपा की भी है, ना किसी गंगा ने मैंने मोदी जी को बुलाया। अजय राय जी इसी धरती से पैदा हुए गंगा माँ की गोद से, मोदी जी बनारस का यूजन सभा का चुनाव उपाध्यक्ष हुए, बनारस में मोदी को बुलाया, लेकिन अजय राय जी इस काशी की गोद से पैदा हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ता मोदी को बनारस से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज ये नौजवान जितने नौजवान दिखाई दे रहे आज मोदी को उखाड़ क्यों नहीं, बेरोजगारी के सिवा कुछ भी रहने वाले लोग है। आप एक एक आदमी से पूछेंगे कोई गाजीपुर मौका नहीं आया है, सब काशीवासी है, बनारस वासी। मैं किसी जनता, मैं किसी भी जनता, कोई भी आम जनता, किसी भी जाति, किसी भी कास्ट, किसी भी राजनीति कोई नफरत नहीं है। मुझे एक जनता का धोखा दिया तो दिया, मैं नौजवानों को धोखे दिया, एक नौजवान के पढ़ाने में घर मकान परिवार सारा संपत्ति बेच देता है, उस नौजवानों के 10 साल में कंगाल बना दिया है मोदी जी ने। अच्छा तो भैया देखिए हम इस वक्त बनारस में, 2 मिनट आपसे बात करेंगे बच्चा, अरे 2 मिनट आगे साइड जाओ भैया, वो कैमरा है, इधर आइए इधर आइए। हाँ तो भैया देखिए रुक जाओ, बोल लेना दे। तो हम भैया बनारस में हैं और बनारस का माहौल जानने के लिए आए थे, और आज यहाँ पर जब प्रियंका जी और डिंपल यादव आ रही हो, और हमें लगा कि गिनती से कुछ ही लोग मिल जाएंगे, लेकिन हम कैमरा मैन से चाहेंगे जरा फोकस कर दें और दिखा दे ये माहौल, ये लोग कहाँ से आए भाई साहब, ये कहाँ से आए? ऐसे नहीं चलेगा, रुको रुको, ऐसे नहीं चलेगा। हर हर महादेव, आपको बता दे इस तरीके से भी नहीं चलेगा, इस तरीके से चलेगा। पार्वती चलेगा जी, काशी काशी में हमेशा जो है कड़कड़ में शिव बसते हैं, पार्वती को सबसे पहले हम लोग मानते हैं, हम लोग नारी पूज्य से बात करते हैं, नहीं है कि जय श्री राम कहते हैं। हमारे यहाँ अगर पहले कहा जाता है तो जय सिया राम कहा जाता है, जय श्री राम नहीं कहा जाता है, ये उनका नारा है। हम काशी के लोग जय सिया राम कहते हैं, और कभी पीछे झंडा दोनों एक साथ लहरा रहे हैं, बिल्कुल लहराएंगे इसी तरीके से वाराणसी में। और इस बार हम लोग मोदी को, उन्होंने कहा है कि हमें गंगा मैया की गोद में जाना है, उनको गंगा मैया की गोद में ही हम लोग भेज देंगे इस बार। तो भैया ज्यादा वक्त नहीं लगाते, थोड़ा आगे चलते हैं ना। बनारस के लोगों ने मोदी जी का टिकट कंफर्म किया है, उनको मोदी जी का टिकट कंफर्म किया है, उनको अडानी के प्राइवेट जेट से सीधा यहाँ से क्वेटो ट्रांसफर किया जाएगा। क्वेटो कहा है भैया? सीधा वहीं से तो जीतेंगे, वहीं से जीतेंगे तो सीधा हो तो बनाने का। भैया बनारस बोले थे? नहीं नहीं, काशी है, यहाँ यहाँ आदमी को अंतिम मोक्ष मिलता है, तो उनका ही अंतिम मोक्ष है, अडानी के प्राइवेट जेट से उनको डायरेक्ट क्वेटो भेजा जाएगा यहाँ से। कहा है भैया अतला कहे खापा है, अतला कहे है कि हमको डरपोक और झूठा, एक नंबर का डरपोक और झूठा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। यार देश के प्रधानमंत्री जो है वो ईमानदार है, अगर आज के आज तक के इतिहास का अगर कोई सबसे डरपोक प्रधानमंत्री बना है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है।
अरे ईमानदार है, 56 इंच का सीना है, लाल आंखें दिखाते हैं। 1% ईमानदार नहीं है। जो आदमी अपने परिवार के लिए ईमानदार नहीं हो सकता है, अपने पत्नी के लिए परिवार ईमानदार नहीं हो सकता है। ईमान है, ईमानदार एक नंबर ईमानदार, झूठा प्रधानमंत्री।